तहरीक इंसाफ और काफली के उम्मीदवार को बड़ा झटका। पीटीआई के साथ अराकीन पंजाब असम्बली फरीजा हज की अदायगी के लिए मुल्क से बाहर हैं। असम्बली में परवेज इलाही इत्तेहाद की अराकीन की तादाद मजीद कम होकर 161 हो गई है। इसी पर बात करेंगे, आसिम नसीर हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। आसिम बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आजम का जो इतिहाद है उसमें 158 रकीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और काफ लीग 10 रकीन है, जिसकी तादाद में 168 है। लेकिन जो हमें हमारे ने बताया है कि इंसाफ के 7 रकीन हैं जो कि इस वक्त फरीदा हज के लिए हजाज मुकदस में गए हुए हैं। और इस तरह तहरीक इंसाफ का जो एक बड़ी तादाद है वो कम हुई है, 161 पर अदी तादाद पहुँच चुकी है। जरा ये बताना है कि तहरीक इंसाफ का नजरिया ग्रुप वो भी एक तरफ परवेज इलाही को वोट ना देने का फैसला कर चुका है और इस वक्त काफ लीग और तहरीक इंसाफ के लिए एक दबदबा बना हुआ है कि क्या इस इलेक्शन में जाया जाए, इसका बायकॉट किया जाए। और जराए के खासतौर पर मुस्लिम लीग काफ के जो जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद अजम का इस वक्त ये इसी चीज पर फैसला किया जा रहा है कि कल का होने वाला जो इंतखाब है उसका बायकॉट किया जाए, तमाम इसका इलाज है वो मुश्तरका तौर पर करेंगे। ठीक है आसिम, आप तफसीलात फराहम कर रहे थे, शुक्रिया आपका।